आज का रेसिपी बोलो कैसे है इसे। तो पानी फिश धो के कट करके हल्दी नमक लगा लिया। तो अभी फिश को फ्राई करेंगे, उसके लिए दे रही हूँ कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल, वापस तेल पानी था। प्याज का भी पेस्ट करना है, पेस्ट प्याज का पेस्ट चाहिए तो मैं प्याज का पेस्ट कर लेता हूँ अभी। तो मेरा पेस्ट हो गया इधर, गाइस इसमें भी है अदरक और लहसुन, इसका भी पेस्ट बनाना है तो इसका भी पेस्ट बना लेता हूँ। शहर में एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये हो गया पूरा मिक्स। तो गाइस ये आलू से बनेगा फिश, तो आलू को थोड़ा हल्का फ्राई कर रहा है, जो फिश फ्राई करने के बाद जो ऑयल था ना उसमें फ्राई कर लिया। फिश फ्राई रेडी हो गया, रेडी हो गया इधर। तो आधा फ्राई खाएंगे और आधा कढ़ी में डालेंगे। हाँ ये देखिए, और मसाला भी रेडी हो गया, ज़्यादा हल्का में लाइट बनाना पड़ेगा। तो इधर आलू को फ्राई करके निकाल लिया, तो अभी तेल में डाल दिया था आखा जीरा और तेज पत्ता, और उसके अंदर जो प्याज हाँ तो पेस्ट बना के रखा था वो डाल दिया। तो अभी इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ प्याज को।
तो प्याज का जो स्मेल है वो चला जाएगा। उसके बाद दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तो अभी और थोड़ा होएगा प्याज। थोड़ा तेल निकाल लिया क्योंकि उतना तेल लगने वाला नहीं था, तो थोड़ा निकाल लिया। ये देखो इसमें अभी थोड़ा तेल में बना रही हूँ मैं कड़ी। तो इधर लहसुन को अदरक को भी अच्छे से कुक कर लिया। तो लहसुन अदरक डालने के बाद भी अच्छे से कुक कर लिया मसालों को। इसका जो अदरक लहसुन का स्मेल है चला गया, तो अभी इसके अंदर जो भी पाउडर मसाले है वो देंगे, जैसे कि है हल्दी पाउडर। और किचन थोड़ा मैसी हो गया, खाना बनाते बनाते अरे देखो चम्मच भी उल्टा पक गया है, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी दे दूँ हल्दी पाउडर, उसके बाद जाएंगे कलर के लिए है कलर वाला रेड चिली पाउडर, तो जो कश्मीरी रेड चिली पाउडर हो। और इसमें जीरा धनिया मैंने मिक्स करके रखती हूँ, मतलब मिक्स ही मिलता है तो ही मैं दे रही हूँ धनिया और जीरा मिक्स पाउडर। और थोड़ा दूंगी धनिया और जीरा। तो चलो अभी तो थोड़ा पानी देना पड़ेगा नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो अभी दे रही हूँ थोड़ा सा पानी। तो चलो अभी मसाला को भी अच्छे से कुक कर लेती हूँ, तो उसके बाद मतलब जब भी पूरा मसाला से ऑयल छोड़ देगा तब तक थोड़ा कुक कर लेती हूँ। फिर दही दूंगी तो भी दिखाती हूँ, पहले ये जो स्मेल है वो चला जाने देती हूँ, उसके बाद फिर दही डालूंगी। और थोड़ा आवाज़ आ रहा है इसलिए क्योंकि उधर चालू है एडजस्टमेंट, इसलिए थोड़ा आवाज़ आ रहा है, तो आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिए उसके जैसे। तो चलो अभी बना लेती हूँ, फिर बाद में प्रोसेस। इधर मैंने दही ले लिया दो चम्मच दही, मतलब एक चम्मच का दो चम्मच दही ले लिया। थोड़ा सा टमाटर नहीं देंगे, उसके बदले में दही दे रहे। टमाटर देंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा, दही देंगे तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम शादी वाला घर में जैसा फिश मिलता है ना वैसा टेस्ट आएगा। तो दही को अच्छा सा भी फेंट लेंगे स्पून से, पूरा स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद ही कड़ी के अंदर डालेंगे। और इधर ये भी मसाला भी कुक हो रहा है अच्छे से, अभी ये भी और थोड़ा होगा। तो ये इधर हो रहा है तब तक मैं इधर इसको फेंट लूँ अच्छे से। तो मसाला से ऑयल छोड़ दिया, तभी इसके अंदर डालेंगे दही। और ये काजू पोस्तों का पेस्ट, काजू खसखस पोस्तो बोलते हैं, पोस्तो बंगाली लोग को समझ में।
काजू और खसखस का पेस्ट। इतना नहीं देंगे, थोड़ा सा ही देंगे क्योंकि ज़्यादा रिच हो जाएगा। दे दो ठीक है, दे ही देता हूँ आपका बोलने से। देखा कैसा कलर आया और एकदम ऑयल भी छोड़ दिया। मसाला पूरा पक के रेडी हो गया था, उसके ऊपर पानी डाल दिया। अभी ये थोड़ा उबल जाएगा तो उसके ऊपर मच्छी, पानी थोड़ा ज्यादा दिया क्योंकि फिश भी डालेंगे ना, तो इसको थोड़ा टाइम के लिए उबलने देते हैं, ठीक है। तो ये एकदम उबल गया, अभी इसके अंदर डाल देंगे फिश। ये पूरा उबल गया, ये पूरा उबल गया, अभी इसके अंदर डालना है फिश। और फिश फ्राई तो इधर रेडी है पहले से ही, अब एक एक करके इसके अंदर डालना है। मैं अभी खाना खाने बैठ गया, ये राइस है, फिश वाइस फ्राई, और ये सैलड है, और एक कारी बनाया था वो है, तो खा लेता हूँ मैं अभी। खीसा को भी खिला दूँगा, तो तब तक के लिए हम लोग खा लेते हैं क्योंकि मेरा ससुर और साला लेट आएगा, तब तक के लिए मैंने खा। तो गाइस मेरे को ज़ोर से भूख लग गया तो मैं भी बैठ गया खाने के लिए, और मेरा खाना तो दे दिया इधर, चलिए दिखाता हूँ। কোথায় আছে? বাগডোগরার কাছেই তো আপনার চোপড়া, এখান থেকে মাত্র 40 কিলোমিটার। এখানেই নিরাপত্তা নিয়ে আপনি রানাঘাট পর্যন্ত যাচ্ছেন।